मिरर वर्क 14वां दिन। स्वयं को प्रेम करना। आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा। आज आप मिरर वर्क में अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे और जीवन यात्रा में स्वयं को अधिक समय और प्रोत्साहन देना सीखेंगे। मुझे आप सब पर कितना गर्व हो रहा है मेरे प्रियजनों। यहाँ हम अपने दूसरे सप्ताह के अंत तक पहुँच गए हैं और वहाँ आप अपने दोस्त के सामने, अपने आईने के सामने खड़े होकर हर दिन नए तरीके सीख रहे हैं और उनका अभ्यास कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में और अधिक प्रेम ला सकते हैं। आप प्यार, खुशी और उन सभी अच्छी चीज़ों के अधिकारी हैं जो जीवन आपको दे सकता है। आप मिरर वर्क करने में अभी भी थोड़ा मूर्खतापूर्ण और असहज महसूस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपसे कहूंगी कि जब आप प्रतिदिन नए अभ्यास करते हैं तो आप धैर्य से काम लें। बदलाव मुश्किल हो सकता है और आसान भी हो सकता है। याद रखें कि यह खुद को प्रेम करने और स्वीकृति प्रदान करने की यात्रा है और अपने समस्त प्रयासों को स्वीकार करें। आप पहले ही इतना कुछ प्राप्त कर चुके हैं। आपने देखा है कि कैसे आपका आईना आपकी कही बातों और आपके लिए किए गए कामों के प्रति आपको और अधिक जागरूक करने में मदद करता है। आप उन चीज़ों को जाने देना सीख रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप अपनी सेल्फ टॉक के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। आप अपने कहे शब्दों को ध्यान से सुनकर उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन में बदलना सीख रहे हैं। आप अपने भीतर के आलोचक को एक प्रशंसक में बदलना भी सीख रहे हैं, जो आपके प्रयासों और बदलाव के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा करेगा। यह सब आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका भीतरी बच्चा पिछले 2 सप्ताहों में अभ्यासों का विषय था और आपने बहादुरी से दोनों का सामना किया है। खुद की एक बड़ी सी जयकार करें। आपने अपने भीतर के बच्चे को अपना परिचय दिया और अब आप समझने लगे हैं कि यह नन्ना सा जीव क्या महसूस करता है। आपको इस बच्चे को अपनी बाहों में देकर यह समझाने का समय भी मिल रहा है कि वह कितना सुरक्षित है और आप उसे कितना प्रेम करते हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है और आपने स्वयं को प्रेम करने की ओर इतना बड़ा कदम उठाया है। इन पहले 14 अभ्यासों के बाद आप सीख रहे हैं कि कैसे आपका शरीर आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। आप अपने शरीर के संदेशों पर ध्यान देने लगे हैं। आप अपने शरीर को वह प्रेम भरा पोषण देने लगे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। उत्साहवर्धक विचार और सकारात्मक एफर्मेशन। आप यह भी देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं। जब आप अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करते हैं तो भले ही वह नकारात्मक हो, आपको उस मेहनत के लिए और उन अभ्यासों के लिए भी स्वयं को बधाई देनी चाहिए जो आप दूसरों के प्रति अपने क्रोध को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। यह ऐसा उपचारात्मक अनुभव है जो वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है। अपने डर को समझकर और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करके आपने इस सप्ताह एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। आप स्वयं अपना डर नहीं है। डर सिर्फ आपके मन की एक कमजोरी है। आपके पास हमेशा प्रेम और डर के बीच एक विकल्प रहता है। आपने इस सप्ताह मेरे एक पसंदीदा सिद्धांत का अभ्यास भी किया है। आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने जीवन की शुरुआत प्रेम भरे विचारों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके दिन के बाकी समय के लिए एक सकारात्मक टोन सेट करता है। आपने देखा कि सिर्फ 14 दिनों में आपने कितना कुछ सीख लिया है। मिरर वर्क के इस नए अनुभव से गुजरते हुए स्वयं को हर प्रकार का प्रोत्साहन देते रहिए। हमेशा जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। आइए अफर्म करें, मैं यहाँ हूँ दुनिया। ये मिरर वर्क मुझे जो भी अद्भुत चीजें सिखा रहा है उसके प्रति खुला हुआ और ग्रहणशील। आपका 14वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1,
अपने बचपन के उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप सच में खुश थे। शायद आपके पास आपके जन्मदिन की पार्टी में ली गई कोई तस्वीर होगी, या तब की जब आप अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहे थे, या अपनी पसंद की किसी जगह पर गए थे। नंबर 2, उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। नंबर 3, उस तस्वीर के जीवंत और खुश बच्चे से बात करें। उस बच्चे को बताएं कि आप फिर से वैसा ही महसूस करने का कितना मन करता है। अपने भीतर के बच्चे से अपनी वास्तविक भावनाओं की और जो बात आपको रोक रही है उसकी चर्चा करें। नंबर 4, अपने आप से ये अफर्मेशन कहें, मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और मुझे प्रेम मिलता है। नंबर 5, इन अफर्मेशन को 10 बार दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है, आपका 14वां दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, अपनी दैनिकी निकालें और 7वें दिन के पहले अभ्यास वाला पृष्ठ खोलें। नंबर 2, उन भावनाओं और टिप्पणियों को देखें जो आपने उस दिन के मिरर वर्क के बाद लिखी थी। नंबर 3, एक नए पृष्ठ पर आज की मिरर वर्क की दूसरे सप्ताह के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या अब आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने में अधिक सहज महसूस करने लगे हैं? नंबर 4, लिखें कि आपको कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि कहाँ आपको सबसे अधिक मुश्किल हो रही है। नंबर 5, उन चीजों के बारे में आपकी मदद करने के लिए एक नया मिरर वर्क अभ्यास और एफर्मेशन तैयार करें जहाँ आपको रुकावट महसूस हो रही है। 14वें दिन के लिए आपका हार्ड थॉट, मैं सिर्फ अपनी भव्यता देखना चाहता हूँ। अपने मन से और अपने जीवन से प्रत्येक नकारात्मक, हानिकारक, डरावना विचार और सोच दूर करने का चुनाव करें। अब किसी भी प्रकार के हानिकारक विचार या बातचीत को ना सुने, ना उसका हिस्सा बने। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं। आप हानिकारक भावनाओं में लिप्त होने से मना कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी उचित प्रतीत होती हों। आप हर उस चीज के ऊपर उठ रहे हैं जो आपको नाराज या भयभीत करने की कोशिश करती है। हानिकारक विचारों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आप सिर्फ वह कह रहे हैं और सोच रहे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपके लिए जो भी करना आवश्यक है उसके लिए आप स्वयं ही पर्याप्त हैं। आप उस शक्ति के साथ एकाकार हैं जिसने आपको बनाया है। आप सुरक्षित हैं। आपकी दुनिया में सब कुछ ठीक है। आपका 14वें दिन का मेडिटेशन, आपकी शक्ति को महसूस करें। इस नए दिन का खुली बाहों और प्रेम के साथ स्वागत करें। अपनी शक्ति को महसूस करें। अपनी सांस की शक्ति को महसूस करें। अपनी आवाज की शक्ति को महसूस करें। अपने प्रेम की शक्ति को महसूस करें। अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को महसूस करें। अपनी बदलने की इच्छा को महसूस करें। आप सुंदर हैं। आप एक दिव्य भव्य जीव हैं। आप सब अच्छी चीजों के अधिकारी हैं, कुछ नहीं, सब अच्छी चीजों के। अपनी शक्ति को महसूस करें और उसके साथ शांति से रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।